हे गाइस, तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अनुपम सिंह। आवाज़ थोड़ी आप लोगों को बदली हुई दिख रही है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों के पास अगर रेडमी नोट 7 प्रो, रेडमी 8 प्रो, रेडमी 9 प्रो या फिर रेडमी नोट 7 है, तो आप लोगों को एक चीज़ मिस कर रहा होगा कि MIUI 12 का जब अपडेट आया होगा तो आप लोग उसमें न्यू कंट्रोल सेंटर आप देख सकते हो ऊपर से, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को डाटा यूसेज नहीं दिखने के लिए मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दो तरीके बताऊंगा जिसके अंदर आप डाटा यूसेज आराम से देख सकते हो। पहले तरीके की अच्छाई और बुराई आपको दिखाई गई है, और दूसरे तरीका भी आप लोगों को दिखाया जो कि बिना ऐप का है, और पहले मैं आपको ऐप यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को देना करते स्टार्ट करते, सीधा हम चलते अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और पे करते हैं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सीधा हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। हे गाइस, तो आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आप लोग देख सकते हो इस तरह का आपको कुछ न्यू कंट्रोल सेंटर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को डाटा यूसेज देखने के लिए नहीं मिलेगा। पहले मैं बता दूं, आज जो अपडेट आया है Redmi Note 7 Pro या Redmi Note 7S जो भी आप कह लो, उस सब में डाटा यूसेज इस अपडेट के साथ नहीं है, पर अगली अपडेट के साथ आपको ये डाटा यूसेज देखने के लिए मिल जाएगा। पर उतना देर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज आप लोगों को बताऊँगा दो तरीके जिससे आप डाटा यूसेज देख सकते हो। पहला तरीका, आप लोगों को कुछ करना नहीं है, एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है MI कंट्रोल सेंटर। इसकी मैं अच्छाई भी बताऊंगा, बुराई भी बताऊंगा। तो फर्स्टली आपको करना, जैसे आप डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ नॉट रनिंग पे जो दिख रहा है वो आपको कर देना है, और उसके बाद जो जो ऑप्शन मैं यहाँ इनेबल कर रहा हूँ सिंपली से आपको वही करना है, और यहाँ MI कंट्रोल सेंटर पे करना है एक्सेसिबिलिटी और अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, आप लोग इस तरह का ऑप्शन आएगा तो आप लोग ओके करना है, फिर उसके बाद ओके करना है। यहाँ आपको तीसरा ऑप्शन जो है डाटा यूसेज पे ले जाना है, और यहाँ पर आपको ये इनेबल करना है, फिर आपको परमिट यूसेज देना है, और यहाँ एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है, और मैं आपको बता दूँ फिर उसके बाद ये चीज़ कर लेना है शो डाटा यूसेज। तो आप लोग इतना करने के बाद आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो सफ़ेद कलर में आपको दिखेगा 2.96 GB, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर पॉइंट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप डाटा यूसेज देख सकते हो, बट इसकी एक खराबी ये है कि जैसे आप रीसेंट ऐप ओपन करते हो तो यहाँ से अगर आप इसे हटा दोगे तो होता क्या है कि अगर आप इसे हटा दोगे तो ऊपर से जो डाटा यूसेज का ऑप्शन है वो हट जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसका भी एक तरीका है जो है कि आप इसे लॉक करके रख दो, और लॉक देख सकते हो फिर से डाटा यूसेज दिखने लगा है। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर इसे लॉक करके आप लोगों को रख लेना है। जैसे आप लॉक करके रखोगे, हटा दोगे तो होगा क्या, यहाँ पर से आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब कि हटा भी दोगे तब भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यही एक तरीका था। और दूसरा तरीका आप लोगों को क्या है कि आपको सिक्योरिटी ऑप्शन में चल जाना है। सिक्योरिटी ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ चल जाना है, और यहाँ पर आपको डाटा यूसेज का देखने के लिए मिलेगा डाटा। यहाँ पर मैनेज शॉर्टकट पर जाना है, और आपको जो डाटा यूसेज देखना है उसका एक शॉर्टकट बना लेना है। तो उससे होगा क्या, आपके मोबाइल के अंदर ही एक शॉर्टकट कहीं बन के आ जाएगा जहां पर से आप डाटा यूसेज आराम से देख सकते हो कि आपने कितना डाटा यूज़ कर चुका है। तो ये एक सिंपल तरीका था जिससे आप देख सकते हो। तो होप ये गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर करना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे सेफ।